फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज आपको मैं लग रही हूँ तैयार। तो आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपने बाल भी जो है कटवा दिए हैं। और मैंने ये पहना है, आपको दिखा दूँ मैंने क्या पहना है। तो मैंने ये पहना है प्लाजो के साथ और अच्छा लग रहा है और बाल भी कटवा दिए है। तो गाइस, आज है हमारी एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी है मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग केक कटिंग करने जा रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी कुछ 8 बजने को आए हैं और निक्या यहाँ पे खेल रही है। मम्मा ने और निक्या ने दोनों ने मैचिंग पहना है। तो फ्रेंड्स, हमारी है आज थर्ड एनिवर्सरी और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस एनिवर्सरी में हमारे साथ है नित्या। तो दो एनिवर्सरी ऐसी गई थी जिसमें हमने इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं किया था, लेकिन इस एनिवर्सरी तो हमने अच्छे से थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया है क्योंकि हमारे साथ नित्या भी थी। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे नित्या आए हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो ये एनिवर्सरी अच्छे से थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। प्लान्स तो बहुत सारे थे हमारे, लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना है, इसकी वजह से हम कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ा सा घर पे ही हम लोग ने केक वगैरह मंगाकर सेलिब्रेशन किया था। और जो मैंने कपड़े पहने हैं वो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए हैं मुझे इस एनिवर्सरी में। तो अभी हम लोग केक कटिंग कर रहे थे और मुझे ब्लैक फॉरेस्ट ही पसंद है केक में, तो बस मेरे हस्बैंड वही लेके आए थे, मुझे सरप्राइज दिया उन्होंने, मुझे पता नहीं था कि वो केक वगैरह लेके आएंगे, तो फिर भी वो लेके आए। और उसके बाद मैंने खाना नहीं बनाया था, तो खाना मैं बाद में बना रही थी। तो खाना मैंने बना रही हूँ आज, बटर पनीर मसाला बना रही हूँ आज। तो क्योंकि बहुत दिनों से सब्जियाँ वगैरह ही खाते, तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ स्पेशल बनाना, तो मैंने स्पेशल में मैं बटर पनीर मसाला बना रही हूँ। तो मैं किस तरह से बटर पनीर मसाला बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है प्याज और लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा हल्का ब्राउन फ्राई होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से एक जाली रख देती हूँ जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे छान निकल जाए और जो है मिक्स ग्राइंडर में जब मैं डालूँ तो बहुत ऑयल वगैरह ना आए। उसी तरह से मैं यहाँ पे टमाटर को भी ना फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टमाटर लिया है, तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और आज डिनर में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बना रहे क्योंकि केक था, और उसके बाद बस पनीर बटर मसाला बना रही हूँ, साथ ही मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी और राइस वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि दोपहर को ही हमारा बहुत हैवी लंच हो चुका था। दोपहर में मैंने बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी छाछ वगैरह, बहुत हो गया था हैवी। तो हस्बैंड बोले कि शाम को कुछ ऐसा बना जो खाने में भी इजी रहे और हम कुछ स्पेशल भी हो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो बटर पनीर मसाला ही बना लेते जिससे अच्छा रहेगा। तो बस ये ठंडा हो जाए टमाटर, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर दिया। उसी ऑयल के अंदर ये जो मैंने ग्रेवी बनाई है, पेस्ट बनाया है, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। और अच्छी बात ये है कि मेरा जो मिक्सर है ना वो रिपेयर हो चुका है, आ चुका है, 2-3 दिन हो चुके हैं रिपेयर हो चुका है, पर थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो वापस देखती हूँ, क्या बताना होगा तो बता दूँगी वापस उनको। तो बस ये ग्रेवी जो है उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और नित्या को भी हमने केक खिलाया था, वो भी बहुत खुश हो गई थी। तो बस इस तरह से जो ग्रेवी है उसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। फर्स्ट एनिवर्सरी में ऐसा हुआ था कि मेरे भाई को लड़का, मतलब मेरी भाभी को लड़का हुआ था, तो 28 डेट को तो मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो हम लोग इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। और दूसरी एनिवर्सरी में मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे हस्बैंड की हॉफ, मतलब हमारी जो एनिवर्सरी 30 तारीख को आती है, तो उस दिन वो ऑफिस में ही उनका बहुत टाइम हो चुका था। तो बस उस टाइम भी सिर्फ रात को केक लेके आए थे और मैंने घर पे शायद कचौरियाँ बनाई थी, बस सिंपल सा सेलिब्रेशन किया था। तो इस बार हमने सोचा कि नहीं, इस बार अच्छे से सेलिब्रेशन करते, लेकिन बाहर तो नहीं जा सकते, घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो बस ये ग्रेवी जो है पक चुकी है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं मसाला वगैरह डाल दूँगी। तो मसाले में मैंने लाल मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स कर लूँगी और इसको वापस से पकने रख दूँगी। और इसके अंदर मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने जो है घर पे ही बनाया है, जो घर के रेगुलर गरम मसाला, तो उसको मैंने बीच में बनाया था। तो मिक्सर जैसे मेरा रिपेयर होके आया था, उसके दूसरे ही दिन मैंने बना दिया था गरम मसाला।
तो बस ये गरम मसाला डाल दूंगी और नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और बस इसको और थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख दूंगी। और ये जब तक पकता है तब तक मैं रोटियां वगैरह बना लूंगी। तो बस इसको अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं पनीर वगैरह भी काट लेती हूँ। तो 200 ग्राम पनीर था तो बस 100 ग्राम जितना मैंने काट लिया। और यहाँ पे ग्रेवी जो पक चुकी है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, यानी कि एक ग्लास से भी थोड़ा सा कम मैंने पानी डाल के इसको ग्रेवी को पकने दिया था। रोटियाँ भी मेरी बन चुकी है और ये पनीर जो है उसमें मैं डाल देती हूँ। जब अच्छी तरह से जो ग्रेवी है उसमें से तेल बाहर निकल जाए उसके बाद ये मैं मतलब अपनी जो ग्रेवी है पक चुकी है तब मैं इसके अंदर जो पनीर के टुकड़े मैंने काटे हुए वो डाल दूँगी। और इसमें मैं बटर जो है अभी डाल रही हूँ लास्ट में, तो इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल दूँगी। तो ये मैंने बटर भी डाल दिया है और इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी बटर डालने के बाद, और इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी तो जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाएगी। सो सारा मसाला जो कढ़ाई के पास चिपका हुआ उसको भी डाल दूँगी तो पक जाए। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरिया धनिया है उसको भी काट धोकर मैंने काट के डाला है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, अब धनिया डालने के बाद बस 5 मिनट मुझे इसको पकाना है। ऑलरेडी मेरी ग्रेवी जो बन चुकी है पनीर बटर मसाला बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ मुझे 5 मिनट और इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे मैं पका लूँगी। तो बस धीमी आंच पे पकाने के बाद देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, यानी बहुत ये सब्जी लिटरली में इतनी टेस्टी बनी थी ना, मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की ना इसकी। तो बस हमारा ये डिनर रेडी है, पनीर बटर मसाला है साथ में रोटी और सलाद है, और साथ में एक अचार मैंने रखा है यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ रात को हम लोग खाना वाना खाने के बाद थोड़ा डेजर्ट में जो केक बचा था वो हम लोग खा रहे थे, तो नित्या को नींद भी आ रही थी और वो देखिए वो उसको खुद को पकड़ के खाना था। तो ये वीडियो बस मैंने निकाला था तो आपको मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।